तो यहाँ ये मैंने लिया है पालक, जिसे मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है, अच्छे से धो लिया है। और यहाँ ये हमने लिए हैं 2 बड़े आलू, जिसे हमने इतना बड़ा काटा है, ज़्यादा छोटा नहीं काटना। और ये 2 टमाटर मीडियम साइज़ के हमने इन्हें बारीक काट लिया है। और यहाँ हमने लिया है अदरक और ये हरी मिर्च बारीक कटे हुए। यहाँ हमने एक पैन लिया है, हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड या जो भी ऑयल आप खाते हो वो आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, इसमें से धुआं आना चाहिए, वरना अगर तेल का कच्चापन रह जाएगा तो सब्ज़ी में वो कच्चेपन की स्मेल रह जाती है। आप देख सकते हैं इसमें से ये धुआं उठने लगा है। ये हींग डाल देते हैं, जीरा आधा चम्मच, जीरा भुन गया है, आलू डाल देते हैं। इन आलूओं को हम इसमें आधा पका लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको होने देंगे। तो ये आलू हमारे हो गए हैं हाफ कुक हुए हैं, ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन भी हो गए हैं। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब हम पालक आलू की सब्ज़ी नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो पालक में इतना पानी होता है कि आलू घुलने लगता है, तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट भी और टेक्सचर भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हरी मिर्च और अदरक डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। यदि आपको सब्ज़ी में अदरक पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अदरक और हरी मिर्च हमारे भून गए हैं, ये आधा चम्मच हल्दी, सभी चीज़ों को इस तरीके से। और अब हम इसमें डाल देंगे ये पालक, ये टमाटर और ये नमक। नमक मैं आधा चम्मच से भी कम डाल रही क्योंकि पालक बहुत कम हो जाता है, अभी जितना लग रहा है उसका आधा हो जाएगा। अब हम मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं पालक अभी से कितना कम लग रहा है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये पानी छोड़ने लगा है। अब हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू लो। पालक को हमें गलाना है अभी, जैसे ही गल जाएगा उसके बाद हम इसको खोल कर पकाएंगे। अभी मैं बाकी मसाले नहीं डाल रही हूँ, वो मैं लास्ट में डालूँगी। वो आप देखना, इस तरीके से मसाले डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। फिर ढक देते हैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए, चेक कर लेते हैं। ये हमारा पालक गल चुका है, आलू हम देख लेते हैं। ये देखिए आलू भी हो गया है, पर अभी इसमें पानी बचा है तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीडियम कर देंगे और इस पानी को थोड़ा सा हम सूखने देंगे। अब आप देखेंगे इसमें पानी बहुत ही कम हो गया है और तेल तेल सा दिखने लगा है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है धनिया पाउडर और ये आधा चम्मच गरम मसाला। आमचूर पाउडर ऑप्शनल है, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ टमाटर डाले हैं और पालक है तो फिर बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा। ये मसाले डालने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना और इन्हें मिक्स कर लेना अच्छे से, और इसे अब हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। मसाले अच्छे से पक जाएंगे और खुशबू और टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए मसाले तो हमने मिक्स कर लिए हैं, अब हम इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ ये हमारी सब्जी मसाले अच्छे से भुन गए हैं, ये तेल अलग छोड़ देगा। तो ये सब्जी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ ये हमारी पालक आलू की चटपटी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। आप इसे पराठे के साथ में, रोटी के साथ में खा सकते हैं। तो आप इस सब्जी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।